हेलो एवरीवन, दिस इज उमा फ्रॉम एमएसएन। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम सिंपल सा एक मोशन ग्राफिक्स इंट्रो बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बना लेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एम है, और इसके हम विड और हाइट 1920x1080 रखेंगे। फ्रेम रेट 25, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 29 रखें या 30 रखें। मैंने 25 फ्रेम पर सेकेंड रखे और इसका ड्यूरेशन हम 10 सेकेंड रखेंगे। ये करने के बाद इसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, टेक्स्ट लिखने में एक चीज़ बताऊं कि हम हर अल्फाज को अलग अलग लिखेंगे ताकि उसे हमें मूव करने में या एनिमेट करने में आसानी हो। तो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल टी भी है, आप उससे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो हम ये लिखा हमने हाओ। इसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे और इसको टू लिखा, इसको हम शिफ्ट के साथ पकड़ के ले आएंगे ताकि ये इसके साथ अलाइन होके चले। सी को हम टू को भी कॉपी करके लिख लेंगे क्रिएट, इसको भी शिफ्ट के साथ पकड़ कर हम यहाँ ले आएंगे। क्या तीनों को सेलेक्ट करके हम इसको अलाइन कर लेंगे सेंटर में अपने हिसाब से। इसी तरह हम सारे टेक्स्ट लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इसका उसूल यह है एनिमेशन का, पहले आप अपनी सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है आप उसको एनिमेट करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जी पहले एक पार्ट लिखा, उसको डिज़ाइन किया, फिर उसी की एनिमेशन करने लग जाते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट उसका बनाया फिर उसकी एनिमेशन करने के, तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। सही वो भी है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन बेसिकली जो उसूल है, जो रूल है, वो ये है कि आप पहले अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट करें, जो भी आपकी डिज़ाइनिंग है या टाइटल है, जो कुछ भी है, उसके बाद उनको एनिमेट करें। ये एक स्टैंडर्ड तरीका आप इसको कह सकते हैं। आफ्टर डैट हम जो है एक सॉलिड लेयर बनाएंगे जिसको हम 2000x20 रखेंगे। वैसे हमारी जो ये डायमेंशन है विड की 1920x1080 है, 2000 हम लिखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी रहे, इसको ओके कर देंगे, सेंटर में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो पहले तीन वर्ड, जो टॉप हमारे तीन वर्ड हैं हाउ टू क्रिएट, इनको हम करेंगे प्री कम्पोज, और इसको हम इसका नाम हम रख देंगे टी टॉप, यानी टेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, इसी तरह इन दो को हम कर देंगे एक्स होम बॉटम। उसके बाद हम टॉप टेक्स्ट की लेयर के अंदर आ जाएंगे जिसको हमने प्री कंपोज किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से, ये देखें आप, यहाँ से आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करके ले आएंगे जितना हमारा टैक्स है उसके हिसाब से। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम कंपोजिशन में आएंगे और इसको कर देंगे क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट था सिर्फ उतनी ही कंपोजिशन हमारे पास आ गई, बाकी एक्स्ट्रा जो कंपोजिशन का एरिया था वो डिलीट हो गया। उसके बाद हम इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन ओपन करने के लिए कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, ये जो कि इसकी शॉर्ट की है, और कुछ फ्रेम्स आगे आएंगे लाइक 8 फ्रेम्स, और यहाँ स्टॉप वॉच पर की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद हम बैक पर आएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम माउस से इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, इसमें शिफ्ट दबा के रखेंगे तो एग्जैक्ट ये अपने साइज़ के हिसाब से चलेगा, यानी स्नैप करके चलेगा। ये एक सिंपल सी इस तरह एनिमेशन बन गई। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों जो वर्ड हैं ये एक साथ ना आए, एक एक करके आए, तो उसके लिए हम बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, इसको भी आगे कर देंगे। अब देखें ये आ गए इस तरह। ठीक है, इस इन सबको सेलेक्ट करके हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंस पर आएंगे और इजी इस कर देंगे। इजी इस करने से एनिमेशन जो है थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 15 फ्रेम आगे जाएंगे और ये सारे जो की फ्रेम हैं इनको हम एक एक करके इसी तरह वापस कॉपी कर लेंगे कि एनिमेशन को आउट करने के लिए। अच्छा जी, देखें क्या हुआ कि हमने चूँकि इसके एनिमेशन इन के जो की फ्रेम्स हैं उनको ही वापस कॉपी किया, तो ये वापस एनिमेशन इन कर रहा है जबकि हमें करना है एनिमेशन आउट। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका इसका ये है कि आप इसके ये पहले की फ्रेम को उठा के यहाँ आगे ले आएँ,
तो इससे देखेंगे एनिमेशन आउट हो जाएगा। दूसरा इसका एक और बहुत आसान हल ये है कि आप इन सब की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें जिस पे आपको एनिमेशन आउट करनी है, और उस पर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस पर जाएं और टाइम रिवर्स की फ्रेम्स कर दें, तो उससे देखें क्या होगा कि ये एनिमेशन आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको आप इसी तरह एडजस्ट कर दें। अब इसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि क्रिएट एनिमेट आउट हो, उसके बाद इन जाए और उसके बाद जो है आओ, तो ये देखें कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसी तरह हम सेम स्टेप इस पे अपनाएंगे बॉटम लेयर पे। बॉटम लेयर पे जाएंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज करेंगे। और इसको कंपोजिशन पे आके क्रॉप फॉर्म टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे। और उसके बाद इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे हम, पी दबाएंगे, एग्जैक्टली उसी तरह 8 फ्रेम्स पर आएंगे, की फ्रेम लगाएंगे, बैक जाएंगे और इसको हम ले आएंगे टॉप से, इसको हम टॉप से एनिमेट करेंगे। अच्छा, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि इसमें पहले टाइटल आए और फिर दिस आए, तो उसके लिए मैं जो है दिस लेयर को आगे करूँगा ताकि पहले टाइटल लेयर आए फिर दिस लेयर आए। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हम मेन कंपोजिशन में आ जाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ इस लाइन के हिसाब से अलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और आर दबाएंगे, उससे इसकी रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी और इसके हम रोटेशन कर देंगे 10। आफ्टर डैट हम लेयर की रोटेशन प्रॉपर्टी को दोबारा ओपन करेंगे, इसकी शॉर्ट की है आर, और इसके हम तकरीबन 5 फ्रेम पे जाएंगे और इस पर हम की फ्रेम लगाएंगे स्टॉप वॉच से, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में आकर हम इसको कर देंगे 0। ऐसा करने से हमारी जो लेयर है वो भी एनिमेट करेगी रोटेशन में। किस तरह, इसको प्ले करके देखते हैं इस तरह। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जब लेयर एनिमेट हो रही है तो टेक्स भी उसके साथ ही आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसकी जो टॉप लेयर है इसको जहाँ रोटेशन का की फ्रेम एंड हो रहा है वहाँ तक लेकर जाएंगे, उसके बाद जो हमारी टॉप लेयर है वो वापस जहाँ पे एनिमेट आउट हो रही है वहाँ पे जाकर जो है हम इसकी बॉटम लेयर को सेट करेंगे। तो देखें इस तरह फिर ये किस तरह एनिमेशन बनेगी, तरह की ये एनिमेशन बन गई। इससे क्या हुआ कि पहले इसकी लेयर एनिमेट हुई और फिर इसके टेक्स्ट एनिमेट होकर इन हुए और उसके बाद आउट हो गए। यहाँ तक इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेयर पे क्लिक करके इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और इसके बाद शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो सिर्फ स्केल की प्रॉपर्टी भी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे हमारे टेक्स्ट एनिमेशन कहाँ एनिमेट आउट हो रही है, वहाँ पे जाके हम देखेंगे जहाँ ये एनिमेट आउट हो रही है टेक्स्ट की एनिमेशन, वहाँ पे हम रोटेशन पे की फ्रेम लगाएंगे और तकरीबन 5 फ्रेम हम आगे आएंगे और इसको वापस इसको 10 से हम कर देंगे इसकी वैल्यू 0, उससे ये लेयर वापस स्ट्रेट होगी। उसके बाद हम इसके स्केल पर की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से हमने इस लॉक पे से चेक हटाना है। चेक हटाने से क्या होगा कि इसकी विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिविजुअली अब प्ले करेंगी या इंडिविजुअली हम उनको मूव कर सकते हैं। इसके लिए हम इसमें भी कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे और इसके बाद हम इसकी हाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम बढ़ाएंगे, इसको हम तकरीबन 5600 या समथिंग कुछ इतना करेंगे कि ये हमारे पूरे कंपोजिशन के एरिया को कवर कर ले। तो उससे क्या होगा कि देखेंगे किस तरह एनिमेशन बनेगी। ठीक है जी, यहाँ तक बन गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो टैक्स है अब हम उसके ऊपर काम करें। यहाँ पे हम टैक्स सेट कर लेते हैं। सबसे पहले टैक्स सेट करने के बाद हम इसको अलाइन कर लेंगे इसके सेंटर में, ये सेंटर में अलाइन हो गया। उसके बाद हम इस टैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मास्किंग के ज़रिए। वो किस तरह करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके जब आपने लेयर सेलेक्ट की होती है तो वो मास्क बना दीजिए। इसको हम इस तरह करके इसका मास्क बना लेंगे, ये मास्क 1 हो गया वॉच ऑन, और इसी तरह हम दूसरा मास्क बना लेंगे यूट्यूब के लिए। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे।
उसके बाद हम मास्क वन की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, मास्क पाथ के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे, कुछ फ्रेम आगे आएंगे और दोबारा की फ्रेम लगाएंगे, इसके बैक पे आएंगे, बैक पे आने के बाद हम इसके मास्क को पकड़ के ऊपर करेंगे, इस तरह शिफ्ट पकड़ के करेंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ अलाइन होकर चलेगा। यही सेम प्रोसेस जो है हम मास्क टू में भी करेंगे, पे की फ्रेम लगाएंगे, इसके बैक की फ्रेम पर आएंगे और इसको हम पकड़ के कर देंगे नीचे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक और मास्क लगाएंगे, मास्क थ्री, इसको हम इस तरह थोड़ा सा छोटा रखेंगे और इस पूरे इसके सेंटर में हम रखेंगे इसको, और मास्क थ्री को ओपन करके इसकी प्रॉपर्टी को ऐड से हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। उसके बाद हम इसको जूम करके थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे के हिसाब से, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह चाहते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसके भी मास्क पाथ के ऊपर हम की फ्रेम लगाएंगे, कुछ फ्रेम आगे आएंगे और इस पर वापस की फ्रेम लगा के बैक फ्रेम पे आएंगे और इसके मास्क पर हम डबल क्लिक करके कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के इसको हम करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर, ये इस तरह हम इसको करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या बना। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं कि ये हमारी कैसी एनिमेशन बनी है। जी, इसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप है वो ये है कि वॉच ऑन यूट्यूब जो है इसको भी हम एनिमेट आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी स्केल प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, इस पर की फ्रेम लगाएंगे, कुछ फ्रेम आगे आएंगे, तीन फ्रेम आई थिंक, और इसका हम स्केल कर देंगे 103। ये थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद तकरीबन हम 5 फ्रेम और आगे आएंगे और इसको हम कर देंगे 0। उससे क्या होगा, ये किस तरह एनिमेट आउट हुआ ये देखिए इस तरह। तो अब हम इसको जो है पूरी एनिमेशन को रेंडर करके चला के देख लेते हैं किस तरह का इंट्रो बना। नाइस। तो ये था आज का छोटा सा मोशन ग्राफिक्स इंट्रो टाइटल ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।